दोस्तों, आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हमने एक लैब ट्यूटोरियल का क्लास रिकॉर्ड किया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। यह है लैब का क्लास। बीएड, डीएलएड और कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कर रहे सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 की वर्जन खोल लें, या फिर स्टार्ट पर क्लिक करके पॉपअप मेन्यू से ऑल प्रोग्राम्स, और ऑल प्रोग्राम्स के बाद यहीं से हम लोग स्क्रॉल डाउन करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 2013, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 इसके अंदर जाकर खोल लें, या फिर रन के द्वारा भी हम लोग खोल सकते हैं। आप लोग जैसा कि पहले से जानते हैं कि रन प्रोग्राम को खोलने के लिए विन की बटन कहने का अर्थ कि कीबोर्ड से विन की बटन और आर बटन दबाते हैं तो रन प्रोग्राम खुल जाती है। और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम से एक्सेल को खोला था, तो ऑफिस एक्टिवेशन विजार्ड खुल गई है, इसको हम लोग बंद कर लेंगे। रन से खोलने के लिए विन की बटन के साथ आर बटन दें तो ये विंडो पे रन प्रोग्राम खुल चुकी है। इस रन प्रोग्राम में जाकर हमें एक्सेल लिखना है, EXCEL एक्सेल लिखना है, और उसके बाद ओके पर क्लिक करने के बाद भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेम प्रोग्राम की विंडो खुल जाती है। अब हम लोग यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक खोलेंगे। ब्लैंक वर्कबुक जैसे ही खोलते हैं तो हम देख पाते हैं कि यह विंडो ओपन हो चुकी है। ये इसके ऊपर में आप तीन बटन देखेंगे। इस तीन बटन का अलग अलग फंक्शन है। ये मिनिमाइज बटन है, ये मैक्सिमाइज बटन है, और ये क्लोज बटन है प्रोग्राम को बंद करने के लिए। हमने अभी इस प्रोग्राम को जूम इन कर लिया है। जूम इन करने से ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसमें कोई भी डाटा की एंट्री करेंगे, जैसे मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम जो स्पेशली यूज़ किया जाता है वह कैलकुलेशन पर्पस से यूज़ किया जाता है। जितने भी प्रकार की कैलकुलेशन, जो गणितीय गणनाएं जो हम लोग विभिन्न वर्गों में पढ़ रहे होते हैं, से लेकर अभी तक की जितनी भी गणनाएं, चाहे वो साइंटिफिक हो चाहे वो इंजीनियरिंग हो, वो सभी गणनाएं हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। आइए हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ नंबरों की एंट्री करना सीखते हैं। जैसे खास करके जब भी आप कंप्यूटर पर डाटा एंट्री करने के लिए बैठते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सीरियल नंबर लिखना होता है। तो सीरियल नंबर एक क्रमबद्ध अंकों का समूह होता है, तो हम लोग यहाँ पर वन और टू लिख लेते हैं। वन और टू लिखने के बाद इसमें फ़ायदा है कि जैसे ही हम दोनों ही सेल को सेलेक्ट करके और कॉर्नर बटन पर आकर ड्रैग करते हैं तो खुद ब खुद यह क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ती चली जाती है। अब अभी हमने चर्चा की सेल की, अब सेल क्या है इसको हम लोग समझ लें। रॉ हेडिंग, कॉलम हेडिंग क्या होती है इसको समझ लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जितनी भी ये छोटी छोटी बॉक्स आप देख रहे हैं, जो माउस क्लिक करने के बाद सेलेक्ट हो रही है, इस छोटे छोटे बॉक्स को सेल कहते हैं। सेल क्या होती है? तो सेल को आप इस रूप में समझें कि इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम्स। अब रॉ कॉलम्स क्या है? तो 1, 2, 3, 4 के रूप में जितनी भी अभी हम लोग ये सेलेक्ट कर रहे हैं ये रॉ है, और ए, बी, सी के रूप में जितनी भी सेलेक्ट कर रहे हैं ये कॉलम्स हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम्स, जहाँ पर रॉ और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उससे जो बॉक्स बनती है उसी का नाम सेल होता है। अब यहाँ पर यह भी समझ लेना आवश्यक है कि यह सेल जो डिज़ाइन होती है, इस सेल के डिज़ाइन होने के साथ ही उस सेल का एक स्पेसिफिक नेम हो जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि पूरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो यह वर्कशीट है इसमें बहुत सारी सेल होगी, तो सबका क्या एक स्पेशल नाम होगा? हाँ, यह बात सही है कि सबका एक स्पेशल नाम होगा, और वह सेल का जो स्पेशल नाम होता है वह कॉलम हेडिंग और रॉ हेडिंग को मिलाने से बनता है। जैसे जिस सेल पर अभी हमने क्लिक किया है,
इस सेल का नाम C3 होगा। कैसे? तो इसके कॉलम की हेडिंग C और रॉ की हेडिंग 3, तो इसकी नेम हो गई C3। अब हम यहाँ से देखेंगे कि इसकी नेम बॉक्स जो यहाँ पर है, क्लिक करने के साथ ही वहाँ पर उसकी नेम बताने लगती है। जैसे अभी D4 बता रहा है, ये नेम बॉक्स है, और इसके सामने की बॉक्स फार्मूला बार कहलाती है। अब इसी फॉर्मूले को हम दोबारा जब यदि रिपीट करते हैं तो ये सीरियल नंबर के साथ है। यदि हम 19 की टेबल लिखते हैं तो हमें याद रखना है कि जिस भी टेबल को लिख रहे होंगे उसकी दो सेल को लिखेंगे, दो सेल डाटा को लिखेंगे, 19 1 जा 19 19 2 जा 38। अब दोनों को लिखने के बाद सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट कर लेने के बाद हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। जैसे ही ड्रैग करते हैं तो 19 की टेबल खुद ब खुद अन्य सेलों में वह लिख दी जाती है। इसी तरीके से मंथ की नेम को यदि हम लोग लिखते हैं, जैसे मंथ की किसी भी ईयर के फर्स्ट मंथ को यदि लिखते हैं तो JANUARY, ये जनवरी है, यह किसी भी साल की पहली मंथ होती है। तो इसमें अब दो सेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके फर्स्ट सेल में ही लिखने के बाद जब हम लोग यह ड्रैग करते हैं तो यह सेल में खुद ब खुद ऑटो फिल होती चली जाती है। लेकिन हाँ, यदि आपके मन में यह प्रश्न हो कि मंथ का पूरा नाम न लिखकर केवल JAN लिखें, अर्थात शॉर्ट नेम लिखें, तब क्या होनी है, तब भी आप यदि यहाँ से फर्स्ट सेल को क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो जितनी भी बाकी सेल होंगी उन सभी सेलों में उसकी प्रत्येक मंथ की शॉर्ट नेम लिख दी जाएगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, विभिन्न दिनों के नाम को भी, जैसे पहला हम लोग लिखते हैं SUNDAY, संडे लिखते हैं, और फर्स्ट सेल पर क्लिक करके ही जब ड्रैग करते हैं तो खुद ब खुद आप देख पा रहे होंगे कि सेल की अलग नाम आ चुकी है। यदि इसमें भी हम लोग ऐसा करें कि शॉर्ट नेम लिखें SUN, तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि अगले दिन की भी नेम वह शॉर्ट में ही लिख दी जाएगी। यह एक्सेल की बहुत ही अच्छी खूबी है, खासियत है। अब हम लोग यहाँ इसके बाद जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम की एक पार्ट है, इस प्रोग्राम को उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य कैलकुलेशन पर्पस होता है। अब इस कैलकुलेशन पर्पस में दो प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब कैलकुलेशन को करने के लिए पहले हम लोग कुछ नंबरों की एंट्री कर लेते हैं। तो दो तरीकों से कैलकुलेट करने में हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एक कैलकुलेशन बाय फार्मूला होती है और दूसरी कैलकुलेशन बाय फंक्शन होती है। अब बाय फार्मूला और बाय फंक्शन क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब बाय फार्मूला और बाय फंक्शन को भी समझने से पहले, हम यह अभी से कुछ समय पहले देखे थे कि जितनी भी सेल है, प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट है उसकी जितनी भी सेल होती है उसकी एक स्पेशल नेम होती है। उन स्पेशल उस स्पेशल नेम की सहायता से ही हम लोग सबसे पहले फार्मूला को उपयोग करेंगे। फार्मूला और फंक्शन जो भी हम लोग उपयोग करें उससे पहले यह जाने कि कोई भी फार्मूला और फंक्शन शुरू होने से पहले बराबर का चिन्ह देना आवश्यक होता है। अब जैसे 89 और 87, इस दो नंबर को यदि हमें ऐड करनी हो तो 89 की सेल एड्रेस होगी G1, हमने कर्सर मूवमेंट की से उसे सेलेक्ट कर लिया है, प्लस 87 की सेल एड्रेस होगी G2, और जैसे ही इंटर बटन दबाते हैं तो 176 दोनों का एडिशन होकर आ जाता है। अब यदि इसी में सब्सट्रैक्शन देखनी हो तो बराबर का चिन्ह हम लोग उपयोग करेंगे, और 89 का सेल एड्रेस G1 माइनस, जिसके थ्रू हम लोग हाइफ़न देते हैं, माइनस 87 ले लेते हैं, तो इसकी रिजल्ट हमें 2 के रूप में आ जाती है। यदि हम लोग इसी में, ये तो प्लस और माइनस दो फार्मूले देख लिए, अब यदि हम लोग इसी में
मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं तो उसके लिए भी बराबर की चिन्ह देंगे, जैसे 47 इंटू 87 करते हैं तो 4089 इसकी मल्टीप्लिकेशन आती है। अब इसी में हम लोग अगला देखते हैं, बराबर की चिन्ह देते हैं 54 डिवाइडेड बाय 47 डालते हैं तो इसकी रिजल्ट 1.148936 आ रही है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जिन फार्मूलाज को हम लोग सेलेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपनी कैलकुलेशन की डिपेंडेंसी जो हम लोग कैलकुलेटर पर रखते हैं उस कैलकुलेटर पर से डिपेंडेंसी को ख़त्म करके कंप्यूटर पे डिपेंडेंसी को बढ़ा सकते हैं। अब इसी के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद एक पावर की हम लोग देखते हैं, यदि हमें 8 to the power 3 यूज़ करनी है तो ये किस प्रकार यूज़ किया जाएगा, तो बराबर का चिन्ह देते हैं और बराबर का चिन्ह देने के बाद ये 8 है और पावर के लिए हम लोग कीबोर्ड से ये सिंबल यूज़ करेंगे और 2 to the power 3 या इसका अर्थ है F6 का उपयोग करेंगे। तो 8 to the power 3 तो 8 to the power 3 की कैलकुलेशन यदि आप मैनुअली करते हैं अपने कॉपी और हमारे कंप्यूटर में भी यह 512 आ चुका है। अब इसमें हम लोग परसेंट का उपयोग करते हैं, जैसे यहीं पर हम लोग निकालते हैं 8 की 3% 8 की के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिए और 3% के लिए 3 के लिए हमने सेल का एड्रेस दे दिया F6 और परसेंट के लिए हम लोग यह सिंबल दे देते हैं 8 की 3% 0.24 होगी। ये हमारी फार्मूलाज थी। अब इन्हीं चीज़ों को फंक्शन के माध्यम से यदि हम करना चाहें तो फंक्शन के माध्यम से भी हम आसानी से कर सकते हैं। फंक्शन के माध्यम से करने के लिए हमें यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जितनी भी फंक्शन यूज़ करें उसका नाम हमें याद रखना आवश्यक होता है। जैसे हमें एडिशन करना है तो अभी जैसे हमने दो सेल को प्लस साइन के साथ जोड़ा, यदि ऐसे ही 17,000, 20,000, 50,000 डाटा को जोड़ना होगा तो यह एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, यह कठिन कार्य हो जाता है। तो वैसे जगहों पे हमें फंक्शन यूज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे यदि हमें जोड़ करनी है, टोटल की एडिशन निकालनी है तो बराबर का चिन्ह देते हैं और उसके लिए फंक्शन आती है SUM। फ़ायदा ये होता है फार्मूला में और फंक्शन में अंतर इस रूप में आप समझ सकते हैं कि फार्मूला में प्रत्येक सेल का एड्रेस देना आवश्यक है और जब हम लोग फंक्शन यूज करते हैं तो जैसे एडिशन यूज करनी है तो बराबर के साथ SUM दिए, छोटी कोष्ट शुरू किए और इसमें पहले सेल की एड्रेस जैसे G1 हम यहाँ ले रहे हैं और लास्ट सेल की एड्रेस तो G1:G6 डालने के बाद कोष्ट को बंद करके इंटर कर देते हैं तो इस टोटल की एडिशन 789.24 आ रही है, ये इसकी एडिशन हो गई। तो फ़ायदा ये हुआ कि अलग अलग सेल का एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद जैसे हमें एवरेज निकालनी है तो एवरेज में आप जानते हैं कि टोटल नंबर को जोड़ी जाती है और जोड़ने के बाद डिवाइडेड बाय जितनी नंबर्स होती हैं वो टोटल नंबर की एडिशन और डिवाइडेड बाय जितनी पार्टिकुलर नंबर्स हैं। तो अब जैसे मान लें कि हमें 89, 87 और 47 एक बाइक ये तीन डिफरेंट टाइप की एवरेज दे रही है 1 लीटर ऑयल पर और इसका हमें एवरेज निकालना है तो G1 से लेकर G3 तक का हमने दे दिया है और इंटर कर दिया तो अब इसकी एवरेज आ रही है 74.33333 ये हमारी एवरेज आ गई है। इसी में कुछ हम लोग
फंक्शन के साथ कंडीशन भी लगा सकते हैं। जैसे कंडीशन के रूप में लगाते हैं, यदि हमने एडिशन को ही यूज़ किया है तो एडिशन में हमने फंक्शन यूज़ किया था सम, तो हम लोग सम के साथ इफ यूज करते हैं, एस यू एम सम इफ आई एफ इफ। इसका अर्थ है जोड़ेगा लेकिन यदि कंडीशन है। अब क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले सम के लिए एड्रेस दे देते हैं कि G1 से लेके G5 तक को टोटल को जोड़ेगा कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसकी कंडीशन डाल देते हैं। क्या कंडीशन डालते हैं, तो कंडीशन डाल देते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मतलब कहने का अर्थ यह कि बड़ा होगा और बराबर होगा कितने से, तो 80 से, 80 से बड़ा होगा और बराबर होगा। अब इसको जब हम लोग बंद करते हैं तो इसको फिर से एक बार समझने की ज़रूरत होगी कि हम लोग कंडीशन बेस्ड फंक्शन देख रहे हैं। तो फंक्शन में तो सम यूज करके देख चुके थे, इफ दे रहे हैं यदि, यदि G1 से लेके G5 तक बड़ा हो, उसमें जो एक नंबर दी गई है वो बड़ा हो और बराबर हो कितना से, तो 80 से, तो उसे जोड़ना है, नहीं तो उसे नहीं जोड़ना है। अब हम लोग यहाँ से एंटर बटन यूज करते हैं, तो 80 से बड़ा और बराबर में आप देख रहे हैं 89 भी आ रही है, 87 भी आ रही है, तो इस तरीके से टोटल उसकी एडिशन करने पर G5 तक चूँकि हमारा सेल आया था तो 512 भी आ रही थी, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे टोटल की एडिशन 688 आ चुकी है। अब यदि इसमें किसी भी प्रकार की बदलाव करनी है तो उस बदलाव करने के लिए डबल क्लिक भी आप कर सकते हैं, तब भी आपके सेल में आप बदलाव कर सकते हैं या फिर फार्मूला या फंक्शन को बदल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि उस सेल में कर्सर को रखकर F2 बटन यूज करते हैं। F2 बटन का यूज नए प्रयोक्ता के लिए मैं बता दूं कि F2 बटन रीनेम सेल के लिए आती है, नाम यदि बदलना है तो उसके लिए यह प्रयुक्त होती है, और इंटर कर दें तब भी आपका यहाँ से आ जाएगा। तीसरा तरीका है कि उस सेल में को सेलेक्ट करें और करने के बाद फार्मूला बार में भी चले जाएं, जैसे हमें यहाँ G5 तक नहीं लेकर हमें G7 तक लेनी है, तो 5 के एड्रेस को चेंज करके G7, आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि G7 तक अब सेलेक्ट हो चुका है और इंटर कर दिया, तो खुद ब खुद यह नंबर बदल गई है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि यदि हम दिए गए सेल एड्रेस में किसी नंबर को यदि बदलते हैं तो कैलकुलेशन में कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, कैलकुलेशन की टोटल स्टेप खुद ब खुद कैलकुलेट करके वह नंबर में या दिए गए वैल्यू में खुद ब खुद चेंजिंग लेते आएगी। यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे बड़ी खासियत है। अब इतने के साथ यदि ये इन चीज़ों को आप देख चुके होंगे तो एक आइए एक और हम लोग फंक्शन देखते हैं, जैसे कितने सारे बच्चे हैं, कितने बच्चों ने परीक्षा दिया है, यदि किसी विद्यालय में आपको यह निकालना है तो इसके लिए हम लोग काउंट फार्मूला यूज करते हैं, CUNT काउंट। काउंट देने के बाद छोटी को शुरू किए, अब जैसे हम लोग को ये मान लें कि यह मार्क्स दिया हुआ है या टोटल कितना है, अभी तो छोटे हम लोग सेल एड्रेस पे वर्क कर रहे हैं, और इंटर कर देते हैं तो हमने जितने दूर का सेल एड्रेस दिया था उसमें टोटल 4 नंबर अभी हैं। और इसी में यदि हम लोग कंडीशन बेस्ड इसको काम करें, कंडीशन पर आधारित करें कि कितने बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन सिक्योर्ड किया है, तो फर्स्ट डिवीजन किसी सब्जेक्ट में मार्क्स लाने के लिए 60 या उससे अधिक नंबर लाना पड़ता है, तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा काउंट इफ़, काउंट क्योंकि गिनने के लिए, और इफ़ उसके साथ कंडीशन लगाने के लिए। अब हम लोग यहाँ से जब भी सेलेक्ट करते हैं तो ये तो सेल रेंज सेलेक्ट कर लिए, G1 से लेके G4 तक को काउंटिंग करेगा, लेकिन कंडीशन डालने के लिए कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में कंडीशन डालते हैं क्या, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 का अर्थ हो गया कि 60 से अधिक होना चाहिए, 61, 62, 63 जहाँ तक भी, और 60 के बराबर मतलब 60 आने पर भी उसका फर्स्ट डिवीजन में काउंटिंग होता है। छोटी को उसको बंद करते हैं,
इंटर करते हैं। यहाँ पर एक गलती हुई है, वो गलती ये हुई है कि हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा तो डाला था लेकिन उसे बंद नहीं किया था, तो तुरंत एरर की मैसेज आ गई और इंटर बटन दबाते हैं तो हमें यह बता रहा है कि 98 एकमात्र नंबर है जो 60 से अधिक और 60 के बराबर है। तो 60 से अधिक में ही 98 आती है तो इसलिए केवल एक दिया है। अब हम लोग यहाँ से ऐसा करते हैं कि एक 45 के जगह पर एंट्री करते हैं 60, तो आप देख पा रहे होंगे खुद ब खुद वहाँ पर 2 हो गया है। यदि 47 के जगह पर हम लोग 64 कर देते हैं तो खुद ब खुद वहाँ 3 हो गया है। यह एक्सेल की सबसे अच्छी खासियत है। इसके साथ यदि आप एक्सेल में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, सेल रेंज को सेलेक्ट कीजिए, ये फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर से आप फॉन्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट इसके बगल में आप देख पा रहे होंगे फिल कलर है, फिल कलर के द्वारा आप कोई भी एक अच्छी सी बैकग्राउंड कलर डाल दीजिए। इतना ही नहीं, आप एक्सेल में टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए बी है, इटैलिक करना चाहते हैं आई है, अंडरलाइन करना चाहते हैं यू है, आप डायरेक्ट इंक्रीज करना चाहते हैं फॉन्ट को तो यहाँ से भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूँ कि शिफ्ट कंट्रोल और ग्रेटर देन कीबोर्ड की जो यह बटन है इसके द्वारा भी आप फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और उसी से हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं। वैसे इंक्रीज और यहाँ से भी हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट की साइज, आप देख पा रहे होंगे विंडो में, या फिर हम लोग यहाँ से भी फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब एक्सेल में 6 अलाइनमेंट होती हैं, 6 अलाइनमेंट में ये टॉप अलाइन है, टेक्स्ट ऊपर की ओर चली जाएगी, ये अभी यहाँ आपको उतना अधिक पता नहीं चला होगा तो इसके लिए हम लोग सेल की साइज को थोड़ी बड़ी कर लेते हैं तो अब यहाँ आप काफ़ी आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हम लोग इसके लिए करते ऐसा है कि सबसे पहले इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि यह टेक्स्ट टॉप साइड में चली गई है, लेकिन यदि यहीं से हम लोग मिडल अलाइन करते हैं तो टेक्स्ट बीच में आ जाती है और ये बॉटम है तो नीचे आ जाती है। लेकिन इसके साथ 3 अलाइनमेंट पहले से जिस रूप में थी, कौन कौन सी, तो सेंटर अलाइन बीच में लाने के लिए, राइट अलाइन राइट साइड जाने के लिए, और ये लेफ्ट अलाइन लेफ्ट साइड ले जाने के लिए। ये इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि आपको यहाँ एमएस वर्ड की अपेक्षा एमएस वर्ड में तो 4 अलाइनमेंट मिलती थी और यहाँ आपको 6 अलाइनमेंट मिलती है। इतने के साथ आप यदि टेक्स्ट को रैप करना चाहें, टेक्स्ट को मोड़ना चाहें तो आप मोड़ भी सकते हैं। मोड़ेंगे आप किस रूप में, तो जैसे जनवरी यहाँ लिखी हुई है तो आप देखेंगे कि सेल में ये एडजस्ट नहीं कर पा रही है तो आप यहाँ से रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, तो आप देखेंगे JANUARY नीचे आ चुकी है। यह इसका फ़ायदा है। कभी कभी होता है कि दो सेल को मर्ज करके लिखना है तो यहाँ से हम लोग मर्ज एंड सेंटर यूज करते हैं, मर्ज एंड सेंटर करने के बाद दोनों सेल मर्ज कर दी जाती है और उसके बाद तब हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये एक्सेल की कुछ खासियत है। इतना के साथ आपको पिछले वीडियो में हमने जो बताया था कि फाइल मेनू पे जाके न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये जितनी भी कमांड आप यूज़ कर रहे थे वो कमांड यहाँ सेम होंगी। आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कुछ सेल को इंसर्ट करना, उसको फॉर्मेट करना या और भी कुछ स्पेशल फार्मूला और फंक्शन के बारे में देखेंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो सभी लोगों से आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रत्येक नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं आप कमेंट करके निश्चित रूप से बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, या किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट करके बताएं, उसका सॉल्यूशन आपको उसी
कमेंट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।